माते 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 कहाँ हो आप? माते माते कहाँ हो? माते 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 कहाँ हो? माते 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 उठो माते 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 क्या हो गया? माते उठो माते माते उठो माते माते आंखें खोलिए माते 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 आंखें खोलिए माते माते आंखें खोलिए माते माते क्या हुआ देवी? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? प्रभु, नागबटुक ने नारद की माता के प्राण हर लिए। अब तो इस दुनिया में उनका कोई नहीं रहा। उनके ऐसी दशा देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। किंतु प्रभु, नारद तो आपका नाम जपते रहे, आपने उनकी कोई मदद नहीं की? अभी वो समय नहीं आया था देवी, और उनकी माता का समय पूर्ण हो गया था। राक्षस बटुक तो केवल एक कारण था। यदि हमने नारद की मदद की होती और उनकी माता श्री को बचा लिया होता तो नारद की परीक्षा रुक जाती। परीक्षा? हाँ देवी, ये सब तो नारद की एक अनजानी परीक्षा है जिसमें उन्हें उत्तीर्ण होना है। आप चिंतित ना हो। किंतु अब क्या होगा? एक बार तुमने खुद स्वर्ण मुद्रा की पोटली कहीं छुपा दी थी, आज भी अगर छुपा दी है तो बता दो। मैंने मुद्रा नहीं ली गुरुदेव। तो फिर कहाँ गई वो मुद्रा की पोटली? ये रही मेरे पास। तुम्हारे पास कहाँ से आई ये मुद्रा? ये मुझे नारद की माता की कुटिया से मिली। नारद! नारद! जी गुरुवर। दासी तो मर गई लेकिन अपने सारे गुण अपने इस बच्चे को दे गई। चोरी की तुमने? गुरुवर, मैंने कभी चोरी नहीं की। ये पोटली तुम्हारी कुटिया से मिली है? हाँ गुरुदेव, इसी ने चुराई होगी मुद्रा की पोटली। ये दिखने में भोला है परंतु है नहीं। इसे आश्रम में रखना उचित नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। अब इस आश्रम में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। नारायण नारायण। अच्छा है, बहुत अच्छा है महामुनि। नारायण नारायण। जो आ गया देवराज।
हमने तुमसे एक बालक मांगा था जो तुमने दे दिया। अब इस बालक को गुलेला का हुलेला बनाएंगे। प्रभु ये क्या हो गया? नारद तो आपका नाम जपते जपते आपको ढूंढ रहे थे, किंतु उन्हें तो आदिवासियों ने ढूंढ लिया। सरलता से कोई भी वस्तु हाथ नहीं आती देवी, और फिर ये तो नारायण को ढूंढने निकले हैं। और देवी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे भक्तों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। और आप तो जानती ही हैं कि प्रभु तो क्या, किसी भी बड़े कार्य में सफलता प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। वो तो मैं जानती हूँ प्रभु, किंतु ये बताइए कि अब आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या? हाँ।